है। बीजेपी नेता सीता सोरेन का बड़ा बयान उन्होंने दिया है, जहां कहा है उन्होंने कि दुर्गा सोरेन की मौत आज भी रहस्य है, दुर्गा सोरेन की मौत की भी जांच नहीं हो पाई है, आज भी उनकी मौत का रहस्य बना हुआ है। कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में दुर्गा सोरेन का अपमान किया है, शहीदों के नाम में उनका नाम नहीं लिया। वही सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन पर कहा कि जामा में दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा नहीं लगाने दिया गया। हेमंत सोरेन को भी कहा था पर कुछ नहीं हुआ। झारखंड में हर जिले में दलाल सक्रिय है, दलालों को राज्य से हटाना है। बीजेपी के प्रयास से दुर्गा सोरेन का सपना पूरा होगा। वही जेएमएम में वो सम्मान नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। पर बहुत पीड़ा और सम्मान नहीं मिलने के वजह से इतना बड़ा जो निर्णय मैंने लिया, ये अपनी खुद की निर्णय है। ये किसी तरह से ये नहीं समझा जाए कि राजनीति कोई षड्यंत्र है, ये मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। जब तक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तब तक पार्टी का नीति सिद्धांत एक सही ढंग से चलती थी। आज उनके नहीं रहने पर सभी इस सिद्धांत और मूल भावनाओं से भटक गए हैं। आज हम देख रहे हैं वहाँ दलालों का मनमानी चलता है। हर एक जिला में जब भी हम जाते थे दलालों से ही भेंट होती थी। अब ऐसे में झारखंड की धरती की हमारे जो यहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, गरीब तत्व के लोग रहते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किए। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं को, आधी आबादी को, नारी शक्ति को जिस तरह से सम्मान देते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आज हम ये निर्णय लिए बहुत सोच समझ करके। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति उड़ीसा की एक छोटे से गांव से आती है, उनको एक सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किए, प्रथम नागरिकता का दर्जा देने के काम किए और लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह का 33% आरक्षण को पास किया गया, एक आधी आबादी महिलाओं को आगे आने वाले दिन में सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी मिसाल है। इसको देखते हुए सम्मान है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सम्मान है, इसको मैंने यही देखा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।